Thank you, everyone, for the overwhelming response that we've seen to the Informed and West Third Empire series. बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपका फीडबैक पढ़ के, और अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज हम लोग अपना पार्ट अदा कर पाए आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने की, जो हमारी कोशिश है वो सफल रह पाई, एटलीस्ट आपके कमेंट्स हम तक ये कह रहे हैं। और आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इसीलिए रहे बिकॉज हमने वीक ऑफ 7th to 13th August में जो आपके साथ डिस्कस किया था, आप में से बहुत लोगों ने उसकी सराहना की है। मेनी ऑफ यू अप्रिशिएटेड दैट वी फाइनली क्लियर द एयर ऑन BSE's एड ऑन प्राइस ब्रांड फ्रेमवर्क, दैट वी टोल्ड यू why retail investors ownership in NSE has risen and for what it means to you and me a happy news. Hamare informed investors ne ye sikha during the week of 14th to 20th August that there is a proof that consumption has indeed picked up. Humne ye bhi dekha ki jitne bhi companies hain jo ki commodities ko leke ek input cost ke nazariye se apne मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके लिए एक स्लीपलेस नाइट्स का दौर चल पड़ा, और इन कंपनीज में अगर करेक्शंस और मार्जिन प्रेशर्स देखने को मिल रहे हैं तो वो क्यों। हमने ये भी डिस्कस किया इन द वीक ऑफ 25th to 27th of August दैट द 6 trillion बिग ट्रिलियन प्लान हैज बीन अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट विच इज टू डू विद द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा रिफॉर्म कि अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिस कर दी है। आपको इसको मिस नहीं करना है, आप इसको समझना चाहें तो आपके पास मुश्किल से 15 या 20 मिनट का टाइम ही लगेगा, आप इसको समझ पाएंगे कि इतना बड़ा रिफॉर्म इस पास्ट 1 to 2 months के दौरान अनाउंस हो गया है, जिसकी फार फार रीचिंग इंप्लीकेशन हमको देखने को मिलेंगी इन गुड टर्म्स। हम ये भी देखना चाह रहे थे कि मास्टर क्लास की एक हमने एडिशन कंडक्ट की, उसमें लोग कितना समझ पाए कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, बॉन्ड्स को, इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट्स के रिलेशंस को। एंड आई एम सो हैप्पी टू से आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ने को मिले तो ऐसा लगा जैसे हम अपनी मुहिम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने की जो हमारी कोशिश है वो सच्ची में रंग ला रही है। इन द वीक ऑफ 3rd to 10th September we presented to you on what services PMI revival also means, because manufacturing PMI was always looking good and had always been on an uptick. But what we also announced and deciphered so very well in an episode last week was the PLI in textiles and what it means to all of us. This week, 11 se 17 September mein humne aapko 3 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स समझाने की कोशिश की है। इन अनाउंसमेंट्स को देखिए, समझिए और आप भी उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर सच्ची में एक मूवमेंट है, एक मुहिम है, एक कोशिश है आप सबको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने की तरफ, ताकि आप हेडलाइंस की सेंसेशनल इमोशंस में ना फंसे, जो डिसीजन लें सोच समझ के लें, हित में लें अपने, किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो, बेशक मैं क्यों ना हूं, बिकॉज हम लोग उस चीज को बिलीव करते हैं दैट इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट में प्लीज ब्रिंग डेटा। हम तो आप तक सच्चाइयां रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं इन सच्चाइयों को आप अप्रिशिएट करेंगे। अब इतनी सारी चीजें हमारे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे, क्या आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं?